हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जामिनेशन आगामी जो परीक्षाएं हैं जो कि मार्च अप्रैल में होती है, ये किस प्रकार से होंगी, एनुअल एग्जामिनेशन, उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरे चैनल में जैसे नए अपडेट आते हैं मैं जो है उसको ज़रूर देता हूँ। कि आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की आगामी जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी और अदर जो यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति ने क्या क्या जो है बताए हैं, उसको आपको सारे चीज़ को बताते हैं। देखिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम को इन्होंने पहले ही जो है ब्लेंडेड मोड ऑनलाइन मोड पर जो है 5 फरवरी से, और जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है वो ऑनलाइन ही होगा, ये घोषणा उन्होंने कर दिया है। और जो है कई यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन मोड पर पेपर भी चल रहा है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन जो कि मार्च अप्रैल में होता है वो किस प्रकार से होंगी। अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने ये स्पष्ट पहले ही कर दिया है कि आगामी जो भी परीक्षा होगी, यानी आगामी का अर्थ होता है आने वाली जो भी परीक्षा है मार्च अप्रैल में, उसको हम लोग ऑफलाइन मोड पर ही लेंगे। मतलब विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाकर, एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर, जिस कॉलेज में फॉर्म भरे हैं वहाँ पर जाकर, है ना, भौतिक उपस्थिति के साथ यानी कि वहाँ प्रेजेंट होकर वहाँ पर बैठकर एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी ने पहले ही अभी घोषणा कर दिया है। आपके सामने मैं पेपर कटिंग भी लगा दिया हूँ, उसमें साफ साफ वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, है ना भाई। अब संभावनाएँ, हम बोलते हैं कि आज पानी गिरेगा, है ना, मौसम विभाग भी कई बार बोल देता है कि फलाना स्थान पर पानी गिरेगा, लेकिन कई बार नहीं गिरता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, ये जो कोरोना है इसका जो है तेज़ी के साथ कभी भी प्रसार हो जाता है, कभी भी डाउन हो जाता है, है ना। तो अभी हम ये स्पष्टतः नहीं कह सकते हैं कि परीक्षाएं जो है ऑफलाइन मोड पर ही लेंगे। अब ये कोरोना की स्थिति, उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा। अब जैसे फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी महीना में अप डाउन होता है कि नहीं स्थिति, है ना, और इसको देखा जाएगा। देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या एग्जामिनेशन को सेंटर में लिया जाए या ऑनलाइन तरीके से लिया जाए। तो अभी हमारे पास बहुत समय है, फरवरी महीना तक का समय है, है ना। इसलिए जो है अपन कह सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा होने की संभावनाएं जो है बढ़ सकती है, ठीक है। अभी ऑफलाइन का मामला जो है, भले जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड है कि ऑफलाइन लेंगे, लेकिन ऑनलाइन की संभावनाएं जो है लग रही है कि ऑनलाइन जो है आगामी परीक्षाएं भी जो है ऑनलाइन हो सकती है। नया अपडेट जरूर दूंगा अगले वीडियो में।